तो आज की ताज़ा खबर ये है कि आई गॉट माई सेल्फ अ ब्रांड न्यू कैमरा। अब हर चीज़ के पीछे कहानी होती है, इसकी भी है। तो ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट द स्टोरी, द प्रोडक्ट एंड द कंक्लूजन। तो स्टोरी काफी शॉर्ट है। बिफोर दिस आई यूज टू ओन अ कैनन 700D फॉर ऑलमोस्ट 7 years, एंड एज यू ऑल नो हर अच्छी चीज का एक एंड होता है, एंड वन डे द कैमरा जस्ट सडनली स्टॉप वर्किंग। अब ये तो पक्का हो गया था कि कैमरा लेना है, बट कौन सा लेना है ये पक्का नहीं था, बिकॉज अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। सो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च एंड वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियोस, सोनी ZV-E10 ये कैमरा मैंने फाइनल किया। अब जो चीज की तुम्हें जरूरत हो और वो चीज तुम्हें वक्त पे मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो भैया, सारे क्रोमा वजह से घूम लिए, बट कहीं भी कैमरा मिला नहीं। अब और क्या, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मगर तुम्हारा भाई हार मानने वालों में से नहीं है। डेली मैं दिन में 2-3 बार चेक करता रहता था कि कभी ऑनलाइन मुझे मिल जाए, एंड वन डे इट फाइनली हैपेंड। सो फाइनली हमारा पार्सल आ चुका है, एंड तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने खुद को कितना ज़्यादा कंट्रोल किया इसको जगह पे ना खोलने का, सिर्फ इस वीडियो के लिए। सो लेट्स अनबॉक्स इट। Okay, so this is the all new camera from Sony, the ZV-E10. This is a mirrorless camera. अब वो क्या होता है वो हम किसी और भी हम बात करेंगे। काफी अच्छा एंट्री लेवल कैमरा है, कॉम्पैक्ट साइज में आता है, 4K रिकॉर्डिंग है, फ्लिप स्क्रीन है, 120fps स्लो मोशन है, इट कम्स विद अ किट लेंस एंड अ रियली ग्रेट ऑटो फोकस। सो व्हाट डू आई मीन बाय अ रियली ग्रेट ऑटो फोकस? तो फिलहाल अब ये वीडियो मैं कैनन 700D से शूट कर रहा हूँ, एंड ये मेरा नहीं, इस वीडियो के लिए मैंने जुगाड़ किया है। तो आप देखोगे जैसे ही मैं मूव होता हूँ तो ये फोकस हंटिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि ये सही से फोकस नहीं कर पाता। बट उसी जगह अगर मैं ZV-E10 की बात करूँ तो भले ही मैं कितना ही मूव क्यों ना हो जाऊँ, मैं कैमरे के अंदर क्यों ना घुस जाऊँ, बट ये फोकस छोड़ता नहीं है। So this is what a really great autofocus look like. Now what about the second package? एक दूसरा पैकेज भी आया था इसके साथ में। अब वीडियो क्वालिटी तो इम्प्रूव हो गई, बट ऑडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव करना जरूरी है। So this is the Rode Video Micro. This is one of the best entry-level mic which you can buy. And इसे कहते हैं मधुवी बिल्ली, आई मीन डेट कैट। ये यूजुअली यूज होता है विंड एंड नॉइज रिडक्शन के लिए। तो ऐसा कुछ हमारा व्लॉगिंग सेटअप दिख रहा है फिलहाल, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। सो नाउ द कंक्लूजन, वॉट इज द फ्यूचर ऑफ दिस चैनल? तो जैसे कि जो मैं सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं 2-3 महीने बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है, और इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। सो बेसिकली मेरी ट्रिप थी जो कि कैंसिल हो गई, एंड फिर जनवरी 2023 के लिए मैंने एक ट्रिप का प्लान बनाया। अब उस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत थी अच्छे खासे पैसों की, तो बस ये 2-3 महीने मैं पैसे कमाने में जुटा हुआ था। अब वो ट्रिप कौन सी होगी और कहाँ जाने वाला हूँ मैं, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। बस इतना हिंट दे सकता हूँ मैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली और बड़ी सोलो ट्रिप होने वाली है, एंड वो आप गेस करके बताओ कि कहाँ जा सकता हूँ मैं, एंड सही गेस करने वाले को मेरी तरफ से एक सोनी का कैमरा गिव अवे। तुम्हें क्या लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ मैं? हाँ मजाक ही कर रहा हूँ। सो यह दैट्स इट, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।